खबर पौड़ी से। मंडल मुख्यालय पौड़ी में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष अनुमोर्चा राकेश गौरसाली ने आपत्ति दर्ज करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सूची में उनका नाम दिए जाने पर उनके द्वारा गहरी आपत्ति दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और विधानसभा पौड़ी से भारतीय जनता पार्टी से उनकी दावेदारी है। ऐसे में अन्य दलों के द्वारा बिना उनकी जानकारी के उनका नाम दिया जाना उनकी छवि को धूमिल करने की यह एक साजिश सी लगती है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का हाथ है। निर्वाचन विभाग इसका संज्ञान ले और इस पर उचित कार्यवाही करे ताकि उनको न्याय मिल सके। जानकारी मिली फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें कि एक पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें मेरा नाम भी डाला गया है, जबकि मैं कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं रहा है, ना ही मैं इनका कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा का दायित्व संभाल रहा हूँ और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से इस समय दावेदारी कर रहा हूँ। ये कुछ लोगों की साजिश के तहत हो सकता है, कुछ लोगों की साजिश हो जिसमें कि मेरी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अभी निर्वाचन अधिकारी महोदय को भी यह सूचना दे के आया हूँ कि जिन लोगों के द्वारा भी ये कृत्य किया गया है उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।